नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सीमेंट का इस्तेमाल घर बनाने या फिर किसी भी कंस्ट्रक्शन के काम में किया जाता है। इस सीमेंट को बनाने के लिए मुख्य चार घटकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। इस चूना पत्थर में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा है लैटराइट। ये लैटराइट दिखने में लाल मिट्टी की तरह होती है। इसकी विशेषता ये है कि इसे पकाया जा सकता है। तीसरा है शेलस्टोन। ये शेलस्टोन एक काले रंग का पत्थर होता है जो आसानी से कहीं भी मिल जाता है। चौथा और आखिरी घटक है रेड मड यानी लाल मिट्टी। तो दोस्तों, इन सभी रॉ मटेरियल्स को बड़े बड़े पहाड़ तोड़कर या गड्ढे खोदकर निकाला जाता है और ट्रक में लोड करने के बाद इन्हें सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इन सभी रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री के क्रशिंग मशीन में डालकर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। इन चारों घटकों को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसने के बाद इन्हें आपस में एक साथ मिक्स किया जाता है और एक कन्वेयर के जरिए आगे भेजा जाता है। उसी दौरान इन सभी रॉ मटेरियल्स को एक गर्म भट्टी से भेजा जाता है। ये जो भट्टी होती है वो लोहे की बड़े बड़े पाइप्स की होती है, जो बहुत ही मजबूत और बेहद ही गर्म होती है, जिसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। इतनी गर्म टेम्परेचर से इन रॉ मटेरियल्स को गुजरना होता है। इसकी वजह यह है कि इन सभी घटकों के रासायनिक बंधन टूट कर इनमें नए कंपाउंड्स बन जाए, जिससे इसके अंदर दीवार में मजबूती करने की ताकत यानी कि एक ईंट से दूसरे ईंट को पकड़े रहने की क्षमता आ जाती है। लोहे की भट्टी से निकलने के बाद इन रॉ मटेरियल्स के टुकड़ों को इस बड़े ग्राइंडर में आटे की तरह बारीकी से पीसा जाता है, ताकि ये चारों कंपाउंड्स आपस में बराबर मिक्स हो सके। और आखिर में इसमें जिप्सम पाउडर मिलाया जाता है। इस जिप्सम पाउडर का काम ये होता है कि सीमेंट में पानी मिलाने के बाद उसे जल्दी गाढ़ा होने से रोकना या फिर इसे जल्दी ख़राब होने से रोकना। इन सभी प्रोसेस के बाद सीमेंट बनकर तैयार हो चुका है। अब आखिर में इस सीमेंट को बोरियों में भर दिया जाता है, जिसमें एक मशीन के जरिए सीमेंट को ऑटोमेटिकली 50 किलोग्राम के बैग में पैक किया जाता है और आखिर में इस सीमेंट को फैक्ट्री से डीलर्स की तरफ बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। साथ ही ऐसे ही अलग अलग तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।